Hello everyone, my name is Lovepreet Verma, founder of Vineyard English. आज मैं गल करना चाहूँगा IELTS speaking के बारे. IELTS speaking बहुत सारे students लिए खुआ है, बहुत डर दा माहौल होता है जो IELTS speaking दे जाते नहीं, पता नहीं की होएगा, जो instructor है की पूछ लेगा. First of all मैं कहना चाहूँगा कि instructor नु तुसी अपना दोस्त समझो, अपना friend समझ के जाओ, ये सोच रख के जाओ कि वो थोड़ी help करन लिए उत्थे बैठे ने. अगर इंस्ट्रक्टर थानू क्वेश्चंस पूछ रहा है, घबराओ ना कि क्वेश्चंस पूछ रहा है, वो थोड़ी हेल्प कर रहा है. बिकॉज IELTS स्पीकिंग दे विच जिन्ना ज़्यादा तुसी बोलोगे, एलैबोरेट करोगे पॉइंट्स नू, यू विल गेट हायर बैंड्स. सो जो उत्थे एग्जामिनर हुंदा है, उहदी कोशिश हुंदी है कि तुहाडे बैंड्स किस तरह वधाए जा सकन, इंप्रूव किए जा सकन, तां थानू डबल ट्रिपल फोर टाइम ऑफ क्वेश्चंस, डिफरेंट डिफरेंट फॉलोअप क्वेश्चंस पूछदे ने, तां कि जिहड़े पॉइंट्स तुसी मिस कर चुके हो वो पॉइंट्स तुसी कवर कर लो, सो दैट टास्क अचीवमेंट एंड रिस्पोंस दे बैंड्स थानू मिल जान. सो बेसिकली स्पीकिंग दे विच की हुंदा, कई स्टूडेंट रिमैंबर कर लैंदे ने बहुत सारे क्वेश्चंस. बहुत सारा अजकल वर्ड ऑफ माउथ फैल चुका है कि एक सर्टन टाइप ऑफ क्वेश्चंस ने, कि जनवरी च इदा के क्वेश्चंस आएंगे, फरवरी च इदा आएंगे, जुलाई आह आएंगे, अगस्त के सैट क्वेश्चंस ने IELTS वास्ते कि ही आएंगे. बहुत सारे जिहड़े इंस्टीट्यूट्स ने उन्होंने अपनी बुक्स लॉन्च कीतियां हुई हैं जस्ट फॉर ए सैलिंग पॉइंट ऑफ व्यू. एक रिमर फैला रहे हैं कि साड़ी बुक दे विचों जी तुहानू स्पीकिंग आएगी या अदर मॉड्यूल्स आएंगे. एक रोंग प्रसैप्शन है, तुसी इहदे मगर ना जाओ. अगर वो क्वेश्चंस तुहानू उहदे विच नहीं आएंगे फिर तुसी की करोगे? सो यूज़ द पावर ऑफ इमेजिनेशन. एट Vineyard English असी स्टूडेंट की ओवरऑल लैंगुएज एबिलिटीज पर वर्क करते हैं. असी उसनों हैंडीकैप नहीं बनाते, डिपेंडेंट नहीं बनाते कि तुसी आ 5-7 20 या 50 क्वेश्चन रीड कर लो जी इन्हां दे विचों आ जाएंगे. नहीं, वी डोंट वर्क लाइक दिस. असी लैंगुएज एबिलिटी दे वर्क करते हैं, थोड़ी प्रोनंसीएशन ते, सेंटेंस स्ट्रक्चर, यूर टेंसेस, यूर फ्लुएंसी. फ्लुएंसी इनक्रीज करना एक आर्ट है. बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं जी साड़ी फ्लुएंसी बहुत वीक है, वी कैन नॉट स्पीक एट अ लेंथ. द बेस्ट प्रैक्टिस ऑफ दिस की स्टैंड एट फ्रंट ऑफ मिरर, रीड न्यूज़पेपर. अगर रोज़ तुसी न्यूज़पेपर नू पढ़न लग जाओ, अलाउड पढ़न लग जाओ, एक घर दे कोने दे विच मिरर लगाओ, उसके अगे खड़ो, न्यूज़पेपर पढ़ो, अपने फेशियल एक्सप्रैशंस देखो कि तुसी इंग्लिश विच किस तरह बोल रहे हो. अगर तुसी एक्टिविटी फॉर ए मंथ इफ यू विल डू, डेफिनेटली आई कैन बैट कि थोड़ी स्पीकिंग फ्लुएंसी इंप्रूव होएगी, नाल नाल थोड़ी रीडिंग इंप्रूव होएगी. बिकॉज जदों तुसी रीड करोगे न्यूज़पेपर, इट विल एनहांस योर रीडिंग स्किल्स इन इंग्लिश. अपार्ट फ्रॉम दिस, बहुत सारे सेंटेंस स्ट्रक्चर न्यूज़पेपर दे विच अच्छे तरीके नाल डिस्क्राइब होंगे कि ले मैन भी अंडरस्टैंड कर सके. कंपलैक्स सेंटेंसिस, कंपाउंड सेंटेंसिस, सिंपल सेंटेंस, पैसिव वॉइस, इवन पंचुएशंस आर देयर. सो जदों तुसी छोटी छोटी चीज़ां नोट करन लग जाओगे, यू विल डेफिनेटली फील इंप्रूवमेंट इन यू. मैं हर स्टूडेंट नूं कहना कि घरे अपने रोज़ प्रैक्टिस करो, न्यूज़पेपर जरूर रीड करो. चाहे IELTS का मटीरियल पढ़ते हो, अच्छी गल है, नहीं पढ़ते न्यूज़पेपर ना छड्डो टू गैट हायर बैंड्स. सेकेंड मैं थोनों ये चीज़ कहांगा कि तुसी अपने रोज़ एक इंग्लिश मूवी नैटफ्लिक्स लो या Amazon Prime लो, एवरी डे वॉच वन इंग्लिश मूवी. बिकॉज हर एक इंग्लिश मूवी दे विच 50-100 करैक्टर्स ने और हर करैक्टर्स का एक्सेंट डिफरेंट है. कोई पुर्तगाली है, कोई चाइनीज़ है, कोई अमेरिकन है, कोई कनेडियन है. सो वंस यू विल स्टार्ट लिसनिंग और वॉचिंग सच मूवीज़, योर ब्रेन विल कंज्यूम द एक्सेंट. सो जो तुसी रियल IELTS लिसनिंग बैठोगे, यू विल फील कि IELTS इज़ नथिंग. सो जदों तुहाडे स्किल्स डेवलप हो गए, तुसी कोई भी टेस्ट दो इंग्लिश का, इट बेयरली मैटर्स. चाहे वह IELTS होवे, कुछ भी होवे, इट विल नॉट हार्ड फॉर यू. सो बेसिकली IELTS औखा क्यों लगता है? बिकॉज तुहाडे जो इंटरनल स्किल्स ने, जो लैंग्वेज स्किल्स ने, वो डेवलप नहीं ने. सो जदों तुसी लैंग्वेज स्किल्स डेवलप कर लोगे, IELTS विल बी नथिंग फॉर यू. और IELTS के लिए 4-4, 5-5 महीने सेंटर विच बैठने की जरूरत नहीं है. ओनली 1 month इज़ मोर दैन इनफ. साडे स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स लैस दैन 1 month भी आ रहे, किसी के 15 दिन बाद, किसी के 20, किसी के 25. मैक्सीम 2 months आर इनफ फॉर IELTS प्रैपरेशन. IELTS नू 4-5-6 महीने नहीं लगते. इफ यू एट द राइट इंस्टीट्यूट, इफ द राइट ट्रेनर इज गाइडिंग यू, 2 months और लैस दैन 2 months आर मोर दैन इनफ, आई वुड से. ये वीडियो किसी सेंटर दे या किसी भी ट्यूटर दे या टीचर दे अगेंस्ट नहीं है. वी रिस्पेक्ट एवरी सेंटर, एवरी ट्रेनर. गुरु
ਸਾਰੇ ਰਿਸਪੈਕਟੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਲੈਵਲ ਹੈ। ਸੋ ਵਿਨਿਅਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸੈਂਟਰ ਰਾਏਕੋਟ ਰੋਡ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਗਰਾਓਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਓਪੋਜ਼ਿਟ UK ਪੀਜ਼ਾ, ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਸੋਨਾ ਲਿਕਾ ਟਰੈਕਟਰ ਏਜੰਸੀ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਵਿਲ ਹੈਲਪ ਯੂ ਟੂ ਅਚੀਵ ਆਇਲਸ ਇਨ ਲੈਸ ਦੈਨ 1 month। ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ PhD ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟ੍ਰੇਨਰਸ, ਵੀ ਹੈਵ IDP ਐਂਡ BC ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਟ੍ਰੇਨਰਸ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਖੁਦ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਪਣਾ ਸਕੋਰ ਅਚੀਵ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਰਦਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।